I'm going to start today's lecture. आज के लेक्चर का मेरा टॉपिक है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क. टिल नाउ असी की कीता है, असी हार्ड डिस्क के बारे स्टडी कीता है, असी हार्ड डिस्क के फिजिकल स्ट्रक्चर बारे स्टडी कीता है, दैट हार्ड डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर किदा दा होंदा है, ठीक है, उसके की डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है, लाइक असी प्लेटर की गल की है, ठीक है, स्पिंडल की गल की है. We talked about the different components of hard disk. लेकिन हुन असी इस आज दे लेक्चर जड़ी से गल करांगे, we'll talk about the logical structure of the hard disk. That how the actual storage of data is being done in the hard disk. Physical structure दे विच असी गल कर ली that उत्ते ग्रुप ऑफ प्लेटर्स है, ठीक है, प्लेटर्स के सेंटर च एक स्पिंडल है, स्पिंडल रोटेट होंदा है, रीड राइट हेड्स नाल चलते हैं, एक्वेटर है. सो ये तो कॉम्पोनेंट्स हो गए. लाइक अस जिस तक कंप्यूटर की गल करते हैं, दैट कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, और उस हार्डवेयर डिवाइस नू रन करन लई, टू रन दैट पर्टिकुलर डिवाइस वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम. नौ असी हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर के बारे तो गल कर ली, ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क के विच डाटा किस वे ना ऑर्गेनाइज होता है. दिस इज नॉट लाइक तुहाडी नॉर्मल डिस्क नहीं है दैट डाटा आर्बिट्रेरी ऑर्गेनाइज हो जाएगा. देयर शुड बी सम वे जिस पर्टिकुलर तरीके नाल हार्ड डिस्क के विच डाटा ऑर्गेनाइज होता है, एंड दैट इज बीइंग कॉल्ड एज लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क. That how data is being organized in a hard disk. अगर मैं logical structure की गल करा ना, by logical structure I mean that how data is being organized in a hard disk, किस वे नाल storage होंदी है, की parts है, वो सारे दे सारे explain किते जाओगे in the logical structure of the हार्ड डिस्क. सब तो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, हार्ड डिस्क हैज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कंपेटेबल विद द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड. यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हार्ड डिस्क के विच लॉजिकल स्ट्रक्चर हार्ड डिस्क की है, और वो स्ट्रक्चर कंपेटेबल है जेड़ा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर ओदे नाल कंपैटिबल होता है. दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगर मैं स्ट्रक्चर की गल करा, मैं तुहानू डायग्राम दे भी दिखाऊंगा दैट हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क. लुक एट दिस. इस डायग्राम च देखो हार्ड डिस्क है, पूरे हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है. असी एदे च एज्यूम कर रहे हैं भी तुहाडे हार्ड डिस्क कोई पार्टीशन नहीं कीती दी, सिर्फ सी ड्राइव, ओनली सी ड्राइव. सी ड्राइव दे विच सब तो पहला MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, डॉस बूट रिकॉर्ड, फैट रूट डायरेक्टली, एंड डाटा. जिहड़ी भी हार्ड डिस्क हुंदी है, हार्ड डिस्क दे विच शुरू दे, मैं शायद तुहानूं अग्गे भी इही गल कीती सी, शुरू दे कुछ ट्रैक्स एंड सैक्टर्स और सिलेंडर्स एक पर्टिकुलर पर्पस लई स्टोर कीते जांदे. मास्टर बूट एरिया, डॉस बूट रिकॉर्ड, इत्थे तुहाडा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कीता जांदा है, ऑपरेटिंग सिस्टम दीआं कमांड्स. Every time you switch on your computer, जदों भी तुसी अपना computer नू switch on कर रहे हो, तुहाडा computer सब तो पहला operating system नू लभदा है. मैं हुण एक होर बड़ी important चीज explain करन लगा. You write this particular thing, post, 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 power on self test. This मैं slides नहीं लिखे आया, लेकिन आई राइट लाइक दैट तुसी इस चीज को नोट कर लो या बाद मेरा वीडियो देख लेना. POST, पोस्ट,
जो भी तुसी अपना कंप्यूटर स्विच ऑन कर दो, सब तो पहला मैं स्टेप्स दे विच एक्सप्लेन कर लूंगा। एवरी टाइम यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, सब तो पहला कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की टेस्टिंग होती है, वेदर प्रोसेसर इज ओके, मदरबोर्ड इज ओके, एड ऑन कार्ड्स आर ओके, मेमोरी इज ओके, हार्ड डिस्क इज ओके। इफ ऑल द पार्ट्स आर इन वर्किंग ऑर्डर ता ही कंप्यूटर के प्रोसीड करता है। इफ ऑल द पार्ट्स आर इन वर्किंग ऑर्डर ता ही तुम्हारा कंप्यूटर आगे प्रोसीड करता है। अगर कोई भी पार्ट्स कोई प्रॉब्लम है तो स्टार्ट से ही एरर मैसेज आ जाएगा। कंप्यूटर ने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने तो बाद तुम्हारे सारे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वन बाय वन टेस्ट हो गए। एंड इफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर इन वर्किंग ऑर्डर तो कंप्यूटर आगे प्रोसीड करता है, देन इट विल लुक फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। किथे लभेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? In this particular portion of the hard disk. Hard disk को छोटी नहीं है, बहुत बड़ी स्टोरेज है। आजकल तो 1 TB दी हार्ड डिस्क आ गई। In this master boot record और DBR दे विच, it will try to look for the operating system. जदों operating system मिल जाता है, then control transfers to that operating system. वो operating system तुहाडे कंप्यूटर च लोड हुंदा है और तुहाडे सामने विंडो स्क्रीन बन के आ। दिस होल प्रोसेस इज बीइंग कॉल्ड एज पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो वही चीज है, लुक एट दिस वन। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क जैसे की गल रही थी, द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क। दिस इज द फर्स्ट सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क दैट ऑपरेटिंग सिस्टम असेसेस। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें चीज सुनी थोड़ी देर पहले पोस्ट के दौरान गल की थी। पोस्ट के दौरान कंप्यूटर ने ऑन होना, कंप्यूटर ने सेल्फ टेस्ट करना, सेल्फ टेस्ट विच कंप्यूटर के सारे पार्ट्स वर्किंग ऑर्डर च है, देन इट विल लुक फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हुए MBR, दिस इज द फर्स्ट सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम असेसेस। कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को चल जाता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने की करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके तुम्हारे सामने स्क्रीन पे विंडोज आ जाते। हुन मास्टर बूट रिकॉर्ड्स की है, बूट लोडर्स और पार्टीशन टेबल्स है। नाउ अगर ऐसे लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क की गल करिए तो इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, अनदर इज डॉस बूट रिकॉर्ड, थर्ड इज फाइल एलोकेशन टेबल फैट। फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल एलोकेशन टेबल। फोर्थ इज योर रूट डायरेक्टरी, एंड फिफ्थ वन इज योर डाटा एरिया वेयर एक्चुअल डाटा थोड़ी जी फाइल्स है जो तुसी काम कर रहे हो, दैट इज बीइंग स्टोर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड, डॉस बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डायरेक्टरी एंड डाटा। वही ये चीज डायग्राम डिपिक्टेड है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, डॉस बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल 1, फाइल एलोकेशन टेबल 2, देन यू हैव गॉट रूट डायरेक्टरी एंड देन यू हैव गॉट डाटा। सब तो पहला मास्टर बूट रिकॉर्ड की है। This is there is a small program to load and start active partitions from hard disk drives known as master boot record or master partition table. Master boot record kiya is a small program to load and start bootable partitions from hard drive. ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜੂਗੇ ਦੈਟ ਵਾਟ ਦਿਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
नवी हार्ड डिस्क परचेज करते हैं या नवी फ्लॉपी ड्राइव परचेज करते हैं या कोई भी नवा ड्राइव डिवाइस परचेज करते हैं ना, तो वो इस काइंड दा होता है. लुक एट दिस वन, इस काइंड दा होता है. उस तो बाद उस हार्ड डिस्क नू अगर मैं कहूँ मेरे को रा हार्ड डिस्क है ना, उन्हें यूज नहीं कर सकता. आई कांट यूज द रा हार्ड डिस्क. उस हार्ड डिस्क नू पार्टीशन करना पैंदा है और फॉर्मेट करना पैंदा है. ठीक है, सब तो पहला असं की करते हैं हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग. लुक एट दिस वन, इस दे विच की कीता है असं हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग की. मेरी गल ध्यान सुनो. हार्ड डिस्क है, तुसी मार्केट चो ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क परचेज करके ले आए, तो यार तुहाडी हार्ड डिस्क फॉर्मेटेड थोड़ी है. वो तो रा हार्ड डिस्क है. तो 1 TB दे हार्ड डिस्क है. तुसी ए थोड़ी जानने हो थोड़ी भी इको ही हार्ड डिस्क इको ही बनी रहे, सी ड्राइव ही बनी रहे. नो, असी की करते हैं सी डी ई एफ जिन्हियां तुहाडियां रिक्वायरमेंट्स है, जिन्नी तुहाडी रिक्वायरमेंट है तुसी उन्ने पार्ट्स दे विच पार्टीशन दे विच उसनू डिवाइड कर. पहला हार्ड डिस्क ले है नवी ड्राइव, उस तो बाद उसनू पार्टीशन करता. इस केस दे विच असी सी ते डी दो ड्राइव चुनू डिवाइड करता. मींस सी ड्राइव नू मान लो 1 TB दी है ते 200 GB डाटा सी च रख लिया, 800 GB डाटा असी डी च रख लिया. सी छोटी रख दे, सी बहुत वड्डी नहीं रख दे, क्योंकि सी च तां मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टोर होना ना. आम तौर ते बड़ी कन्वेंशन है सी ड्राइव दे विच डाटा स्टोर नहीं करीदा. बड़ी एक कन्वेंशन अवेलेबल है मार्केट, सी ड्राइव नू सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ले रखो ते डी ड्राइव दे विच जितना मर्जी अपना डाटा स्टोर करो. रीजन है वी जदों तुहाडा कंप्यूटर उड़दा है ते सी ड्राइव उड़दी है. जदों ऑपरेटिंग सिस्टम तुहाडा किसी भी टाइम ते खराब हुंदा है, तुहाडी सी ड्राइव खराब हुंदी, तुहाडी डी ड्राइव थोड़ी खराब हुंदी. डी ड्राइव नहीं खराब हुंदी, इस करके तुहाडा डाटा सिक्योर रहेगा, तुहाडा डाटा नहीं डिस्ट्रॉय होएगा. That is why it is always recommended that you see data no D drive store karo, C drive store na karo. Hard disk no to see partition karan to baad, us to baad usko format karte ho. Jodo to see format karte ho, your hard disk is being divided into tracks and sectors. To see dhyan na dekho. Hard disk is now divided into tracks and sectors. Kis case de which? After formatting. पहला तो हार्ड डिस्क थोड़ी ब्लैंक है, दिस इज अ ब्लैंक हार्ड डिस्क. जदों असीं उसनू पार्टीशन कीता तो उसनू दो हार्ड डिस्क दे विच डिवाइड करता. ड्यूरिंग दैट टाइम तुहाडा मास्टर बूट रिकॉर्ड यह सब कुछ डिफाइन हो जाता. उस तो बाद असीं उसनू जदों फॉर्मेट करते हैं तो तुहाडी हार्ड डिस्क इज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्रैक्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स. नाउ इत्थे एक चीज ध्यान आ देखियो, जिहड़ी तुहाडी सी ड्राइव है रेड कलर है, रेड कलर देखो ध्यान नाल. सी ड्राइव तुहाडा मास्टर बूट रिकॉर्ड डिफाइन होया है, लेकिन डी ड्राइव तुहाडा मास्टर बूट रिकॉर्ड डिफाइन नहीं होया, क्योंकि बूटिंग असीं नॉर्मली सी तो ही करनी है ना. एंड इफ यू विश टू डू इट फ्रॉम डी ना, तां तुहानूं उहदी जरूरत पैंदी है, नहीं तो नॉर्मल बूटिंग असीं सी ड्राइव तो करते. ठीक है, नॉर्मल बूटिंग असी कितों करते हैं, सी ड्राइव तो करते हैं, असी नॉर्मल बूटिंग असी डी ड्राइव तो नहीं करते. सो न्यू ड्राइव है उन्हें पहला पार्टीशन किया जाता है, उस तो बाद उस ड्राइव नू फॉर्मेट किया जाता है. दिस इज द वे. ठीक है, इस चीज़ नू ध्यान रखिए, जो भी तुसी कोई अपनी ड्राइव लेके आने हो पहला पार्टीशन करनी है, उस तो बाद उस ड्राइव ने फॉर्मेट करना है, और यही प्रोसीजर है तुहाडे नवी हार्ड डिस्क का. ठीक है, इस टाइम मैं कड़ी गल कर रहा सी, तुहाडा मास्टर बूट रिकॉर्ड दी गल कर रहा सी. देयर इज अ स्मॉल प्रोग्राम टू लोड एंड स्टार्ट एक्टिव पार्टीशंस फ्रॉम हार्ड ड्राइव नोन एज मास्टर बूट रिकॉर्ड्स. मास्टर बूट रिकॉर्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 प्राइमरी टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव सच एज
स्टार्टअप एरिया, कंप्लीशन एरिया, पार्टीशन साइज, किस किस, अगर सी ड्राइव 200 जीबी दी है, डी ड्राइव 800 जीबी दी है, दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन मास्टर बूट रिकॉर्ड. और मास्टर बूट रिकॉर्ड कितने होंगे? इट इज लोकेटेड इन सेक्टर जीरो. अगर तुम्हारे हार्ड डिस्क के 100 सेक्टर्स है एंड एज ए नंबरिंग 0 to 99, इट इज लोकेटेड ऑन सेक्टर जीरो, वी कैन से इन सिलेंडर जीरो, हेट जीरो एंड सेक्टर वन. सेक्टर जीरो और सेक्टर वन के विच तुहाडा मास्टर बूट रिकॉर्ड स्टोर होता है. पहला ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक दे सेक्टर जीरो और सेक्टर वन के विच तुहाडा मास्टर बूट रिकॉर्ड स्टोर होता है. इस गल नूं जरा ध्यान नाल नोट करना. हार्ड डिस्क दे विच मान लो मैं 60 ट्रैक्स डिफाइन किए, हर ट्रैक दे विच सेक्टर्स हो गए. पहले ट्रैक दे जीरो सेक्टर ते वन सेक्टर दे विच मास्टर बूट रिकॉर्ड स्टोर होता है. एंड इफ दे आर मल्टी पार्टीशंस ऑन द डिस्क देन देयर इज एन एक्सटेंडेड मास्टर बूट रिकॉर्ड located at the beginning of the each extended partition. Agar multiple drive hai. Aur kis way naal assi master boot record banane hai? Aaj kal to chalo MBR as naal nahi banande. Ek fdisk command si DOS de vich assi use karde si, fdisk. Fdisk command nu assi use karde sige partitions create karan layi. But aaj kal ta disk fragmentation command, fragmenter command hundi hai Windows de vich. Odan assi different kind diya partitions क्रिएट कर सकते. एट द बिगनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव इज योर एमबीआर. व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स यूजिंग योर हार्ड ड्राइव, दिस इज वेयर इट लुक्स फर्स्ट. सब तो बोला ने एमबीआर से जाना है. एमबीआर का पहला जीरो सेक्टर ते वन सेक्टर, पहले ट्रैक का जीरो सेक्टर ते वन सेक्टर एमबीआर. एमबीआर का साइज 512 बाइट्स होता है. Bootloader is the first 456 bytes of MBR. Bootloader, जिन्हें booting करनी है, जिन्हें तुम्हारे computer नू start करना है, उस 512 दे विचो पहले 446 bytes bootloader ने लेने हैं. फिर ये विच partition tables भी होते हैं, मैं उन तुम्हें explain कराऊंगा जो तो fat आएगा, but the partition tables are. Second, मास्टर बूट रिकॉर्ड तो बाद है थोड़ा डॉस बूट रिकॉर्ड डीबीआर. आफ्टर द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लोड्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू मास्टर बूट रिकॉर्ड मेमोरी एंड लेटर परफॉर्म इट. इसका मतलब की इसका मतलब है दैट एवरी टाइम तुम जिन्नी बार भी कंप्यूटर ऑन करोगे पोस्ट ने परफॉर्म होना है. शायद तुसी कई बार चेक भी किया हो, कई बार F9 या डिलीट द बटन प्रेस करके कंप्यूटर दे शुरू दे सेटअप चल जाने. वो बायोस है, दैट इज बायोस सिस्टम सेटअप. बायोस इज द रोम. उदे विच तुहाडे कंप्यूटर दा कंप्लीट सेटअप गिवन हुंदा है दैट इस कंप्यूटर दे विच किन्निया हार्ड डिस्क है. जरूरी नहीं है तुसी सी ड्राइव तो ही बूट करना है. मान लो तुहाडा हार्ड डिस्क खाली पई है, उहदे च कोई डाटा नहीं है, उहदे च कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर तुहाडा कंप्यूटर तो चलेगा ही नहीं. तुसी उसनूं डी ड्राइव तो ई ड्राइव तो उसनूं सी डी रोम डीवी रोम डीवीडी रोम ईवन यूएसबी तो बूट करा सकते. ए सारी इंफॉर्मेशन सेटअप इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द सिस्टम बायोस. आफ्टर द पोस्ट the BIOS loads the hard disk into master boot record memory or later usnu perform kar. First master boot record tests the hard disk for an active partition. Partitions hundi hain, divide kitne hunde hain, lekin wo partition active bhi honi chahiye. Hai na wo partition passive hove, wo partition active bhi honi chahiye hai. First MBR tests the hard disk for an active partition, then loads it into DOS boot record. उस तो बाद
ਉਹਨੂੰ ਡੋਸ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਸ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੂਟ ਕੋਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੋਡਸ ਰੈਸਟ ਆਫ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਨਟੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਥੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੋਸ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਡੋਟ ਕੋਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਡੋਟ ਕੋਮ ਆਈਓ ਡੋਟ ਸਿਸ ਕਨਫਿਗ ਡੋਟ ਸਿਸ ਆਹ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਕਮਾਂਡਸ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਬੀਂਗ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਲੋਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਡੋਸ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫਾਈਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਹੈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਆਰ ਬੀਂਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਡੋਸ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਮਾਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲੋਡਿਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੋਸ ਬੂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੈਟ ਫੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫੈਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਬੁੱਕ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਸ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਸ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਸ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਫੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਰੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੈਟ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 100 ਹਾਊਸਿਸ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 100 ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੋ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਸੋ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਪਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਫੈਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ 1977 ਟੂ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਿਸਟਮ ਫੋਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਟਾ ਔਨ ਬੋਥ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਟ ਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਟ ਕੀਪਸ ਏ ਮੈਪ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਸੱਚ ਦੈਟ ਵਿਚ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਟੇਕਨ ਅਪ ਬਾਏ ਫਾਈਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਸਟੋਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਟ ਦੇਖੇਗਾ ਵੈਨ ਸਮ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰਡ ਔਨ ਦਾ ਡਿਸਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਟ ਡੋਸ ਕੰਸਲਟਸ ਦਾ ਫੈਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਏਰੀਆਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਔਰ ਦਿਸ ਮੈਨੇਜਿਸ ਦਾ ਡਿਸਕ ਏਰੀਆ ਪੂਰੇ ਡਿਸਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫੈਟ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਨ ਟੀ ਐਫ ਐਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਫੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਚ ਐਫ ਐਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ
NTFS ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ। NTFS ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸ ਫੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, NTFS ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। HFS ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਕ ਐਪਲ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਿੰਟੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ HFS ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। FAT 16, FAT 32 ਇਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਫੋਰਮੈਟ ਫੋਰ ਸਟੋਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਔਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, USB ਦੇ ਵਿੱਚ FAT ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਯੂਜ ਕਰਦੇ। XFAT ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਬਾਈ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਫੋਰ ਫਾਈਲ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਸ ਇਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ NTFS ਫੇਲੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ 4 GB ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਹੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, FAT 32 ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਯੂਜ ਕਰਦੇ। ਦੈਨ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਵਟ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨਸ ਆਲ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇਸ ਲਾਈਕ ਏ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟਸ ਫੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਡ ਔਨ ਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕੀਪਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੇ, ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ DIR ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਟੋਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਇੱਕ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਈਲਸ ਦੈਟ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਔਨ ਦ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫੈਟ ਟਾਈਪ ਬੀਂਗ ਯੂਜ਼ਡ। ਕਿਸ ਕਾਇੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਫਾਈਲਸ ਸਟੋਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਇਸ ਯੂਅਰ ਡਾਟਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਏਰੀਆ। ਡਾਟਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੇਜ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰਿਮੇਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਆਫਟਰ ਰੂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਏਰੀਆ। ਦਾ ਡਾਟਾ ਏਰੀਆ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਨ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਏ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, the format command of the DOS or operating system does not destroy or override the data on the data area. is line nu dhyan na padna. When we format a hard disk, tusi kise hard disk nu format karde ho ya kise bhi pen drive nu format karde ho, the operating system doesn't destroy or overwrite the data on the data area. Operating system override nahi karda tade data nu, destroy ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਮਾਂਡ ਓਨਲੀ ਰਿਮੂਵਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਡਸਨਟ ਟੱਚ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ। ਦਿਸ ਮੇਕਸ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਫੈਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। With this, I complete my today's lecture.